अब से मैं लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली हूँ इसी चैनल में, और अगर किसी को भी मेरे साथ मैच खेलना है तो वो अपनी आईडी इसकी पूछ में रहा होगा। उसने पहले देखो ये पंख मेरा खराब है, उसने फिर दूसरे हाथ से देखा होगा ये कहाँ तक जा रहा, देखती हूँ अच्छा यही है, तो निकाल दिया होगा। ये है सबसे बड़ा मोर पंख दुनिया का, अंदर घुसा रहा होगा ना। हाँ, इतना घुसा रहा होगा तो वो बाहर निकला होगा, तो उससे इतना मोटा छेद हो गया होगा। अंधकोयू का दोस्त क्या कर रही है शांति रहती है, और शाम के टाइम आ गए ना घर तो इतनी गाड़ियाँ चलती रहती, इतना ट्रैफिक रहता है, इधर आने का मन नहीं करता, तो हम सुबह सुबह ही आते हैं। तो मुझे इसके पीछे का जगह दिखा दूंगा, अब तो कमी है ना दीपा, अब तो कमी जा सकती हूँ मैं। क्या है वो मोर पंख? अरे मोर पंख है वो, ले आओ हम ले लो भाई, इतना बड़ा है ये तो, बोलते अगर खुद मिल गया तो बढ़िया होता है। कितना बड़ा मोर रहा होगा। अबे वो तो है ही नहीं इस पे ऊपर का। कहाँ गया वो? पता नहीं। किसने काट दिया? कहना पहले। ऐसे फूलों के रस से वो स्याही बनाते थे। तब ऐसे लिखते थे। क्या लिखते थे? कलम से लिखते थे, कुछ भी, गीता लिखते थे और ताम्र पत्रों में लिखी जाती थी, स्टोरी लिखी जाती थी। पहले स्कूल में ना हम इसके पंखुड़ियाँ स्टोर करके बुक में रखते थे ताकि हमें विद्या दे। मुझे बता अगर ये जंगल में गिरा, ठीक है, तो ये रखे रखे इसे किसी ने उठाया नहीं तो ये सड़ जाएगा। हाँ। खराब हो जाता है। तो अगर वो मोर पे लगा हुआ है तब क्यों नहीं सड़ता? तो ये बड़े कैसे थे, इनमें ब्लड सर्कुलेशन कहाँ से होता है? देखा कुछ भी नहीं इनमें, तो ये तो सूखा हुआ है। बड़े कैसे होते हैं, इनके अंदर कैसे जान जाती है? कुछ भी नहीं तो छेद उसमें, छेद है ये, मतलब ये इतना इतना उसका अंदर घुसा रहा होगा ना। हाँ, इतना घुसा रहा होगा तो वो बाहर निकला होगा, तो उससे इतना मोटा छेद हो गया होगा। दर्द नहीं? नहीं होता, हमारे बाल निकलते हैं, हमें कुछ होता है सेम उसके बाल है तो बाकी क्या है, मोटे मोटे बाल। चलो बालों के देखो कितने मजबूत रहते होंगे ना। इन पे छोड़ दिया होगा खुद ही, उसे कैसे पता चला मेरा पंख खराब है? नहीं, उसने पहले उसकी पूछ में रहा होगा, उसने पहले देखो ये पंख मेरा खराब है, उसने फिर दूसरे हाथ से देखा होगा ये कहाँ तक जा रहा, देखती हूँ अच्छा यही है, तो निकाल दिया होगा। उसे कैसे पता चला कि पंख खराब हो चुका है, तो मैं इसे निकाल लूँ, मुझे बताओ। पता नहीं भाई। अब उसने चलो देख भी लिया खराब है, फिर यहाँ कैसे देखा उसने कि कौन सा वाला पंख है? तो उसने देखा कैसे कि ये वाला पंख है जो खराब वाला, उसकी जड़ यही है। मैंने दो चार और क्यों इतनी भैया उसने इसके चक्कर में, जैसे हम व्हाइट बाल निकालते हैं एक तीन चार काले तो निकले जाते हैं, वैसे क्यों नहीं निकले इसके? क्या यार तुम बता ना, ये है सबसे बड़ा मोर पंख दुनिया का। तो दोस्तों हम मॉर्निंग वॉक से आ गए हैं, और अब हमारा काम है यहाँ पे, मेरा ये टाइम टेबल है, और हम 5 बजे उठे थे, 5:30 बजे वॉक पे गए थे, 7 से 8 मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, तो मैं वही बनाने जा रही हूँ।
तो दोस्तों आज की है धूप और मेरा काम हो गया है, मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है और अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं, 7 से 8 मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। भाई साहब आप मेरा काम ना टाइम टू टाइम चल रहा पूरा फिट, और यहाँ पे देख सकते हैं आप जाले साफ हो रहे हैं। और मेरा सुबह सुबह का ऑफिस का थोड़ा सा काम रहता है क्योंकि दिन भर बहुत मुश्किल हो जाता है, बिना पंखे के और बिना कूलर के करना पड़ता है तो दिन भर मुश्किल हो जाता है, तो मैं सुबह सुबह निपटा लेती हूँ। तो बस मैं वही करने वाली हूँ, उसके बाद बताऊंगी मैं क्या क्या करूंगी। हो गया साफ हो गया भाई साहब, दीवार इतनी गंदी आ रही ना रियल में उतनी ज्यादा नहीं लग रही जितनी फोन में लग रही, बहुत ज्यादा। किस से साफ कर दो, हो जाएगी यार कितनी गंदी लग रही। अभी से ये हाल है, बाद में तो ABCD लिखा रहेगा। बच्चे नहीं करते ऐसे, पहाड़ बना देते हैं वही सब होगा। तो ये हो चुका है हमारा कैमरा सेट और हमने चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनां उर्वारुकमिव बन्धनान् नित्यं वृक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनां उर्वारुकमिव बन्धनान् नित्यं वृक्षयमामृतात्। दोस्तों हमारा काम हो चुका है, अब हम नहाने जा रहे हैं, तब नाश्ता करेंगे उसके बाद फिर से काम करेंगे। तो नहा धो के हो चुके हम रेडी, और इनके साथ काम करने से पहले मुझे मम्मी का फेशियल करना है, तो करते हैं सबसे पहले मम्मी का फेशियल। तो ये अपने कंप्यूटर की सफाई कर रहे हैं। ये अपने कंप्यूटर की सफाई कर रहे हैं, और अगर आपको देखना है कि कंप्यूटर की अच्छे तरीके से सफाई कैसी होती है तो वो आप इनके चैनल में जाके देख सकते हैं। मैं इनके चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो मैं आपको बताने वाली हूँ आज तो मेरा काम निपट जाता है पूरा 9 बजे, उसके बाद मैं खेलती हूँ PUBG, और अब से मैं लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली हूँ इसी चैनल में। और अगर किसी को भी मेरे साथ मैच खेलना है तो वो अपनी ID कमेंट में दे सकता है, मैं उसे रिक्वेस्ट भेज दूंगी, और रात के 9 बजे के बाद हम खेलेंगे PUBG। तो इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग का एंड करती हूँ, तो बाय बाय दोस्तों, और अब से हम खेलेंगे PUBG साथ में।